एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में 8 अलग अलग टॉपिक्स हैं। पहला है लैटिस हाइपोथेसिस, मैरेक्स लैटिस हाइपोथेसिस। व्हेन दिस सीरा सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी इज सीरियली डायलेटेड इन अ नॉर्मल सलाइन, ग्रेजुअली एंटीबॉडी लेवल डिक्रीजेस। तो सीरम में अगर एंटीबॉडी है, उस सीरम को डाइल्यूट करेंगे तो ग्रेजुअली एंटीबॉडी का लेवल घटेगा। व्हेन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ एंटीजन इज एडेड टू सच अ सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग सीरियली डाइल्यूटेड सेरा देन इट इज़ ऑब्जर्व दैट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स एट इट बेस्ट ओनली इन द मिडल टेस्ट ट्यूब्स वेयर द अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, जिसको कहते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज वीक एंड और फेल्स टू अकर व्हेन द नंबर ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। कहने का मतलब व्हेन द सीरा कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज डाइल्यूटेड देन द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज डिक्रीजेस, और जब सारे ऐसे टेस्ट ट्यूब्स को अलग अलग डाइल्यूशंस के साथ ऐसे लाइन में लगाते हैं और सब में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन डालते हैं, तो एंटीजन डालने पे देखते हैं कि बीच वालों में ही रिएक्शन दिखता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट वालों में या तो ओवर डाइल्यूटेड है या फिर नॉट एट ऑल डाइल्यूटेड है, मतलब लेफ्ट और राइट वाले में या तो ज़्यादा एंटीबॉडी है या कम एंटीबॉडी है। डाइल्यूटेड में कम एंटीबॉडी है और नॉट डाइल्यूटेड में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी है। तो बीच वाले में क्या हो जाता है, बीच वाले में बहुत ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी का कंपाउंड बन पाता है, जबकि लेफ्ट और राइट वाले में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है। तो इसको कहते हैं मैरेक्स लैटिस हाइपोथेसिस। इन अर्लियर टेस्ट ट्यूब्स एंटीबॉडीज वर एक्सेस, हेंस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डज नॉट अकर, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजोन फिनोमेनन। इन द लेटर टेस्ट ट्यूब्स एंटीजन इज एक्सेस, हेंस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फेल्स टू अकर, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट जोन फिनोमेनन। तो पहले वालों में एंटीबॉडी एक्सेस थे, तो क्योंकि डाइल्यूशन नहीं हुआ पहले वालों में तो एंटीबॉडी एक्सेस में थे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ, तो प्रोजोन फिनोमेनन है। बाद वालों में क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी नहीं हो पा रहा क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है। पहले वाले में एंटीबॉडी बहुत है और एंटीजन ही कम पड़ जा रहा है, और बाद वालों में एंटीबॉडी बहुत है, एंटीजन एक्सेस में है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फेल्स टू अकर या डज नॉट अकर, तो पोस्ट जोन फिनोमेनन यानी बाद में जब बहुत डाइल्यूशन में है एंटीबॉडी कम तो पोस्ट जोन, प्रोजोन जब एंटीबॉडी बहुत है एंटीजन कम है। एंटीबॉडीज आर एक्सेस, प्रोजोन में डाइल्यूशन नहीं है, एंटीबॉडी कम है डाइल्यूशन में तो पोस्ट जोन फिनोमेनन। मैरेक लैटिस हाइपोथेसिस प्रपोज दैट द लैटिस हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस दिस हाइपोथेसिस दिस कंसेप्ट द मल्टी वैलेंट एंटीजन्स कंबाइन विद बाई वैलेंट एंटीबॉडीज इन वेरियंग प्रोपोर्शंस डिपेंडिंग ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो इन ईच मिक्सचर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द मल्टी वैलेंट एंटीजन्स कंबाइन विद बाई वैलेंट एंटीबॉडीज इन वेरियंग प्रोपोर्शंस डिपेंडिंग ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो इन रिएक्टिंग मिक्सचर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द मल्टी वैलेंट एंटीजन्स कंबाइंड विद बायो वैलेंट एंटीबॉडीज इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ओके, सो मल्टी वैलेंट एंटीजन्स है पर जो एंटीबॉडीज है वो बायो वैलेंट है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो इन द रिएक्टिंग मिक्सचर। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑप्टिमली अकर्स व्हेन अ लार्ज लैटिस इज फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, दिस इज पॉसिबल ओनली इन द जोन ऑफ इक्विवेलेंस। इन द जोन्स ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन एक्सेस प्रोजोन या फिर पोस्ट जोन द लैटिस डज नॉट इनलार्ज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ लैटिस फॉर्मेशन बाई एक्सेस एंटीबॉडी और एंटीजन रिस्पेक्टिवली। लैटिस हाइपोथेसिस वॉज डिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Lattice hypothesis was first described first for the precipitation reaction, but it also holds true for agglutination and other techniques of antigen antibody reactions. Lattice hypothesis was described first for the precipitation reactions,
बट इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर एग्लूटिनेशन एंड अदर टेक्निक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. द प्रोजोन फिनोमेनन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल सेरोलॉजी एज सेरा इज हाई टाइटर फॉर एंटीबॉडीज मे समटाइम्स हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडी मे समटाइम्स गिव अ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट. कभी कभी जो हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडी है मान लो तो वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है अनलेस सीरियल डाइल्यूशंस ऑफ सेरा टेस्टेड. यानी कि गाढ़ा एंटीबॉडी जब ज़्यादा हो नॉन डाइल्यूटेड तो मे बी वो फॉल्स नेगेटिव दे सकता है क्योंकि एंटीबॉडी बहुत है पर वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया. तो एंटीबॉडी बहुत है बट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया क्योंकि एंटीबॉडी बहुत है. तो क्या कहते हैं उसको इक्विवेलेंस जोन ऑफ इक्विवेलेंस. सो एंटीबॉडी एक्सेस प्रोजोन एंटीजन एक्सेस में पोज जोन जोन ऑफ इक्विवेलेंस ऑप्टिमल पोर्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी जोन ऑफ इक्विवेलेंस लैटिस फॉर्मेशन. सो दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन लैटिस हाइपोथेसिस.